4000 जो अप्रशिक्षित थे, 5000 जो प्रशिक्षित थे वहां से शुरू किया, लेकिन उसके बाद नियत वेतन मान में भी हमने बढ़ाया और बाद में 15 में आकर 2015 में वेतन मान निर्धारित कर दिया। उसके बाद 2016-17 में तो ये भी कर दिया कि भाई जो सातवां आयोग का जो रिकमेंडेशन है उसकी भी सब सुविधाएं उनको मिले। इन सब के यह इन लोगों के हक में हम करते रहे और जो उनको अयोग्य करार देते थे, आजकल बड़ा नारा वारा लगाते हैं, बोलते हैं उनके पक्ष में, आजकल कहीं धरना पर बैठते हैं तो चले जाते हैं बहुत लोग, मुझको तो हंसी आती है, मैं कुछ बोलता नहीं, बस शिक्षक दिवस है इसलिए हम याद करा दिए लोगों को। लेकिन हम इसके बाद भी कहेंगे आप कुछ भी करते हैं हमको कोई तकलीफ नहीं, हमको एक ही बात पर तकलीफ होगी, जब आप छात्र छात्राओं को पढ़ाइएगा नहीं। कितना वकील रखे हुए थे सर्वोच्च न्यायालय में, कितना वकील थे, आदेश के जितने नामी गिरामी वकील थे सब बहस कर रहे थे, तो उसे क्या फर्क पड़ता, जरूर करना चाहिए, अपनी बात तो रखना ही चाहिए, लेकिन फैसला आ गया, सब चीज अपनी जगह पर है, लेकिन हम आगे भी ख्याल रखेंगे, इतना ही हम शिक्षक दिवस के अवसर पर बताएंगे। आप जो मर्जी उतना कीजिए, क्योंकि मेरे खिलाफ कुछ कीजिएगा, हमारे सरकार के खिलाफ कीजिएगा, तभी ना मीडिया में पब्लिसिटी मिलेगी। कि अब शिक्षा विभाग ने सारी तैयारी कर दी, टीवी स्क्रीन और उसके लिए जितना इंतजाम करना था सभी माध्यमिक विद्यालयों के लिए कर दिया, और उसके बाद इसकी शुरुआत आज उन्नयन बांका से किए, और आप तो जानते हैं कि हमारा मकसद है कि सारे पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय बने, यानी 12वीं तक की पढ़ाई हो, और अप्रैल 2020 से बाकी जितने पंचायत बचे हैं सभी में 9वें क्लास की पढ़ाई अप्रैल 2020 से शुरू होने वाली है, और उन सभी जगहों पर उन्नयन बिहार की योजना भी साथ साथ चालू हो जाएगा। कैसा कैसा लोग टॉपर हो जाता था याद है ना, क्या पूरे बिहार की बेइज्जती होती थी, यानी आदमी शर्म में डूब जाता था, ऐसी स्थिति होती थी। अब जो नई टेक्नोलॉजी का सहारा लिया है विद्यालय परीक्षा समिति ने और नया कानून भी हम लोगों ने बना दिया, अब इसके बाद बहुत कम समय में रिजल्ट आता है, और बता दीजिए कि 2 साल से रिजल्ट में कोई गड़बड़ी की बात आई।